महामंगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। किस आधार पर होगी बाहुबली की कहानी और क्या 10 से 12 स्क्रिप्ट लिखे गए हैं फिल्म के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और पॉलीग्राड स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं कि फिल्म बाहुबली के नेक्स्ट पार्ट्स कहाँ शूट करेंगे। तो अगर खबरों की माने तो ये सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म के नेक्स्ट पार्ट उत्तराखंड और राजस्थान में शूट किए जाएंगे। फिल्म के पार्ट 3-5 उत्तराखंड और राजस्थान में शूट करेंगे, ये बात काफ़ी ज़्यादा कंफर्म हो चुकी है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड देश विदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। बॉलीवुड के काफ़ी सारे नामी गिरामी हस्तियों की फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में की गई है। और भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि खूबसूरती की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड सबका बाप है। और वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान अपने रॉयल ठाट बाट के लिए मशहूर है। और बाहुबली और रॉयलिटी तो देखे दोनों साथ साथ ही चलते हैं, इसीलिए ये भी कंफर्म हो चुका है कि कुछ पार्ट राजस्थान में भी शूट किया जाएगा। एसएस राजामौली ने इन दोनों स्टेट्स के मुख्यमंत्री से अनुमति भी मांगी है इस फिल्म की शूटिंग करने के लिए। अब अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी की तो एसएस राजामौली इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वो बहुत बारीकता से इस फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म के लिए 10 से 12 स्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं। राजामौली चाहते हैं कि पार्ट 1 और 2 की सक्सेस के बाद ऑडियंस को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कहानी देखने को मिले, क्योंकि पार्ट 1 और 2 की सक्सेस के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन भी इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वो भी चाहते हैं कि कोई इंटरेस्टिंग और एकदम नए कंसेप्ट वाली कहानी देखने को मिले। और यही कारण है कि राजामौली चाहते हैं कि इस बार कहानी कुछ ऐसी हो कि अगर ऑडियंस को लगे कि कोई सवाल रह गया है तो वो अगले ही पल उसका जवाब भी उसे उस स्क्रिप्ट से मिल जाए। और इसी कारण से राजामौली इस फिल्म की कहानी पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और अगर हम बात करें पार्ट 1 और 2 के सक्सेसफुल होने के पीछे के कारण की तो आप तो जानते हैं कि इस फिल्म में कमाल के डायलॉग्स थे, बहुत ही खूबसूरत इसमें विजुअल इफेक्ट था, एक्शंस बहुत ही खतरनाक थे और पूरी मसाला फिल्म थी। अब जब पार्ट 1 और 2 में ये सब था तो ये कंफर्म है कि पार्ट 3 में ये सारी चीज़ें 3 गुना होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल की मूवी साबित होगी बाहुबली 3। और अगर बात करें प्रभास की तो ये भी जाहिर सी बात है कि बाहुबली का कैरेक्टर तो वो ही निभाएंगे, क्योंकि बिना बाहुबली के कैसी बाहुबली। अब ऑडियंस इतनी ज़्यादा इस फिल्म से जुड़ चुकी है और प्रभास के कैरेक्टर से जुड़ चुकी है कि वो किसी और को इस फिल्म में बाहुबली के रोल में देख नहीं सकते। और यही कारण है कि प्रभास इस बार 3 गुनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो एक्शन सीन्स होने वाले हैं वो और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा डेंजरस होने वाले हैं। इस फिल्म में इस बार बहुत ही कमाल का एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट भी होगा और कुछ नए चेहरों के जुड़ने की भी बातें सामने आ रही हैं। अब आपको ये करना है कि हमें कमेंट करके बताना है कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए और आप कितना इंतज़ार कर रहे हैं पार्ट 3 की कहानी जानने के लिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना है और सिनेमा देखते रहना है। नमस्कार।